यहाँ पर ये मैंने 300 ग्राम कटहल लिया है जिसे मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया है, ऐसे टुकड़े करके, और आप इसे बॉईल कर लीजिए हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर ये मैंने चावल जो पहले से भिगो के रख लिए थे, ये मैंने इस कप के नाप के कप चावल लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ 4 प्याज लिए हैं जो मैंने पहले से क्रश करके रख लिए हैं। ये मेरे 2 टमाटर, इसे भी मैंने क्रश कर लिया है। इसमें हरी मिर्च भी पड़ी हुई हैं 2। अब ये मैंने हाफ कटोरी दही लिया है, ये डेगी मिर्च 1 टेबल स्पून, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये मीट मसाला 1 टेबल स्पून के करीब है, ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये लाल मिर्ची पाउडर, ये काली मिर्च कुटी हुई, ये चाट मसाला। अब आते हैं खड़े मसालों पे। ये देखिए खड़े मसाले हैं मेरे, ये धनिया साबुत धनिया, ये 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, ये ज़ीरा 1 चम्मच करीब है, ये 4-5 लौंग, 4-5 ही हरी इलायची, काली मिर्च और 1 ये बड़ी इलायची। इसका मुझे एक पाउडर बनाना है जिसे मुझे सब्ज़ी में यूज़ करना। आइए अब इन चावलों को हम पहले मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। डाल लीजिए और ऐसे हम अच्छे से महीन पीसने हैं। अभी मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है जिसमें यह पेस्ट मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट को एकदम फाइन पेस्ट करके बनाया है। अब इसमें मुझे ये 2 चम्मच के करीब बेसन लिया है मैंने, जो मुझे इसमें डालना है। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए इसमें डाल के, ये चाट मसाला और ये काली मिर्च कुटी हुई और इसमें नमक। नमक आपने थोड़े ध्यान से डालें क्योंकि मुझे सब्ज़ी में भी नमक डालना है, तो इसलिए इसमें आप नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं सब्ज़ी में भी और इस वाले पेस्ट में भी। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए ऐसे। अब इसमें मुझे ये कटहल जो मेरा बॉयल कटहल था, आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। मतलब कटहल को इसमें आपको अच्छे से मिलाना है, कोई भी कटहल का पीस एकदम ड्राई नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया है एक कढ़ाई में। अब यहाँ मैं खड़े मसाले हैं उन्हें रोस्ट कर लेती हूँ पहले। उधर मेरा तेल भी गर्म हो रहा है, तो आप यहाँ पर आप इसे, आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है क्योंकि मसाले ना काफ़ी हल्के होते हैं, ये तो जलने का डर रहता है, तो इसलिए बिल्कुल देखिए ऐसे आपको ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है ये। अब मैं इसे मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ क्योंकि ये मुझे ग्राइंड करने हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका मुझे। अब आप ऐसे करके जैसे आप पकौड़ियाँ तलते हैं वैसे ही आपको ये कटहल इसमें डाल के ऐसे अच्छे से तल लेना है, अच्छे से तल लेना है आपको बिल्कुल, जैसे हम पकौड़ियों को तलते हैं सेम वो ही उसी तरीके से आपको ऐसे इसको तलना है। एकदम लाइट ब्राउन कर लीजिए इन्हें अच्छे से। आप चाहें ना तो इन्हें चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। इधर आप देखिए मेरा ये पाउडर भी तैयार हो गया सूखे मसालों का। अब यहाँ पर ये मैंने 4-5 के करीब और ये अदरक का टुकड़ा और लहसुन लिया है, इसे आप क्रश कर लीजिए। अब आप देखिए मेरी ये कटहल अच्छे से तल गया है। अब ये तेल मैंने इसमें डाल के, ये 1 बड़े चमचे के करीब तेल होगा, ये प्याज डाल के अच्छे से तल लीजिए। अब यहाँ मैंने ये मिक्सिंग छोटे बाउल में दही ले लिया है, इसमें आपको मसाले ट्रांसफ़र करने हैं, ये हल्दी पाउडर, अब ये धनिया पाउडर। मसालों को दही में या पानी में पहले से मिला के रखना चाहिए गाइस, जिससे ये इससे अच्छा फ्लेवर निकल के आता है मसालों का। अगर आप दही में नहीं डाल रहे मसाले तो आप पानी में भी पहले से मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए 5 मिनट के करीब। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और आप इसे ऐसे थोड़ा सा हल्का मिला के और इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। यहाँ पर आप अपनी प्याज देखें भून लीजिए ऐसे। अब ये मेरी प्याज थोड़ी ब्राउन हो गई है तो इसमें मैंने ये अदरक और लहसुन वाला पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप बीच में ही डालिए प्याज के भुनने के, पहले नहीं डालना। अब यहाँ पर ये मैंने टमाटर डाल दिए जो मेरे क्रश किए हुए थे। अब ये मसाला भी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जो मैंने दही में बनाया हुआ था, हल्दी धनिया और ये। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने यहाँ पर, आप इसे मिला लीजिए ऐसे चलाते हुए। अब ये डेगी मिर्च जिससे थोड़ा कलर मसाले का अच्छा आता है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। यह नमक, ये वही मसाला है जिसे मैंने अभी रोस्ट करके ग्राइंड किया था गैस। इस मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है तो इसलिए आपको ये मसाला बनाना काफ़ी ज़रूरी है इस वाली सब्ज़ी में।
इस मसाले को डालना काफ़ी मस्ट है, क्योंकि जितना फ्लेवर आना है सब्ज़ी में वो इसी मसाले के अकॉर्डिंग आना है। तो गाइस इसलिए इस मसाले को डालना इसमें काफ़ी ज़रूरी है। सब अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से ऐसे मसाले एकदम अच्छे से मिलना चाहिए कटहल में। अब यहाँ पे मैंने ये पानी डाल दिया, पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा गीला बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, कम करना है तो आप कम पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पहले से बॉयल था तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे थोड़ा सा मिला लीजिए इसे हल्के हाथों से। अब ये मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें धनिया, धनिया तो आप जितना डालें ना काफ़ी अच्छा है। अब आइए मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी जिसके साथ खाना चाहें आप खा सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। अब इसे धनिया से और गार्निश कर दीजिए ऊपर से। लीजिए, रेडी हो चुका है।